मलिक मार्केट जम्मू में इंदामी कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी के सिलसिले में पांच गिरफ्तार चार की पूछताछ जारी आदाब आप देख रहे हैं इंक्वायर और सूडे और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। मलिक मार्केट में जब इंदी कार्रवाई चलाई गई एमजी हेक्टर शोरूम पर तो इस वक्त यहां पर लोगों का एक हजूम उमड आया था और उसके बाद पत्थरबाजी भी यहाँ पर देखने को मिली जिसके बाद पुलिस को मजबूर होकर हालात को हालात पर काबू पाने के लिए टीयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा था लेकिन अभी अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है पुलिस ज़रा के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पांच लोगों को पत्थरबाजी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और चार लोगों को हिरासत में लिया गया है ताकि उनसे पूछताछ की जाए और आपको बता दें आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ टूटी तीन पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके इस हवाले से तहकीक शुरू कर दी थी और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जो खबर अभी निकल कर सामने आ रही है इसमें साफ़ तौर पर यह बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के, पत्थर के सिलसिले में पांच लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है वहीं पुलिस द्राया के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मलिक मार्केट में जो इन कार्रवाई चलाई गई थी जिसमें एम जी हेक्टर शोरूम को डिमोलिश किया जा रहा था इसी दौरान बठिंडी सुजवा के लोग यहां पर सड़कों पर निकल आए नेशनल हाईवे को बंद किया गया और यहां पर अहजाजी मुजाहरा किया गया आपको बता दें कि इससे पहले भी बठिंडी सुजवा की आवाम ने अहजाजी मुजाहरा किया था पुरामन एहजाजी मुजाहरा करते हुए उन्होंने इंतजामिया से यह अपील की थी कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए लेकिन इसी बीच जब एम जी हेक्टर शोरूम पर इंतहमी कार्रवाई अमल में लाई गई तो इस वक्त ओवाम का एक हजूम सड़कों पर उमड़ आया और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई इस पत्थरबाजी के सिलसिले में पोलिस के मुताबिक जो खबर निकल कर सामने आ रही है उनका कहना है कि तीन पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिसमें आपने देखा होगा कहीं मीडियाकर्मी भी जख्मी हुए थे और साथ ही साथ कुछ गाड़ियों का भी नुकसान हुआ था जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज करके इस हवाले से तहकीकती कार्रवाई शुरू कर दी थी और जो इस शोरूम का ऑनर था उससे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं आपको बता दें कि पत्थरबाजी के सिलसिले में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चार लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है जिनकी पूछताछ लगातार जारी है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि इनसे इनसे त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में इस वक्त पूछताछ की जा रही है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिन लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में इनसे लगातार पूछताछ जारी है और ये सारी जानकारी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दी है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये खबर भी पब्लिश की है जिसमें साफ़ तौर पर यह बताया जा रहा है कि मलिक मार्ग की जम्मू में इंदाहमी के इंदाहमी कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी करने के सिलसिले में अभी तक पुलिस ने पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है और चार लोगों की इस हवाले से पूछताछ जारी है वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी जिस दिन ये सारा मामला मलिक मार्केट जम्मू में पेश आया था हमने पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और इसी हवाले से जो आज खबर निकल कर सामने आ रही है इसमें यह बताया जा रहा है कि पांच लोगों को इस हवाले से अभी तक गिरफ्तार किया गया है और चार लोग इस चार लोगों को इस हवाले से पूछताछ की जा रही है और त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके इनसे पूछताछ की जा रही है मज़ीद इस हवाले से क्या कुछ ख़बर निकल कर सामने आती है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे फिलहाल के लिए आप बने रहिए इनको रसूड़े के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़